हेलो गाइस, मेरा नाम है मेहुल और मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल मैन नामक चैनल से। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन थोड़ा सा अलग है, ये मोबाइल का सेटिंग के रिलेटेड नहीं है। आज कुछ नया करते हैं, मतलब नया सोचते हैं, नया थिंकिंग करते हैं, नया नए बातें करते हैं। तो सोच रहा था कि मैं आज आपको कुछ यूट्यूब रिलेटेड की कुछ टिप्स दूँ, दो तीन जितने मुझे आती है उतनी। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ हमारी चैनल पे। तो कौन से बारे में आज हम बात करेंगे? ठीक है, तो आज हम बात करते हैं वीडियो को एडिटिंग के बारे में। ठीक है, मतलब वो वाला एडिटिंग नहीं जो कोई बनाता है, वो वाला एडिटिंग नहीं। आज मैं सोच रहा था कि आज हम वो एडिटिंग, मतलब कि टैग डालना, कीवर्ड डालना, डिस्क्रिप्शन डालना और उसके रिलेटेड कुछ सम्स क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, मतलब मेरा एक वीडियो ले लूँगा, मतलब एक कोई भी एक पर्टिकुलर वीडियो ले लेंगे, उसमें टैग क्या डालना है और डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है और कीवर्ड क्या डालना है, उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारा वीडियो पे और मैं आपको डीपली दिखाता हूँ, मतलब करके दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से ढूंढना है और कैसे ढूंढना है। चलिए चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे बिना स्किप किए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम हमारी वीडियो की स्क्रीन पे, मतलब एडिटिंग वाले स्क्रीन पे। देखिए, यहाँ पे मैं वाइट स्टोर भी खोल सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं खोलूँगा, इसमें इतना मज़ा नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे क्रोम में जाऊँगा। देखिए, ये सीधा चले गए हम क्रोम की स्क्रीन पे और देखिए ये हमारा रहा वीडियो का एडिटिंग पार्ट। तो देखिए, अभी मैं उसको ओरिजेंटल कर देता हूँ, ठीक है, तब क्योंकि आसानी रहे समझने में। देखिए, यहाँ पे मैंने 5 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है अपना ये जो पूरा वीडियो है, उसमें मतलब 5 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। तो 5 स्टेप का हमें ख्याल रखना है। देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले वाला है जो ये जो है हमारा ये जो थंबनेल है वही है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है सबसे पहले ऊपर वाला, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसको आपको आपको क्या करना है, उसको 80 में बनाना है और थोड़ा सा सबसे अलग बनाना है। हो सके तो आप यूनिक बनाइए, जिसमें पूरी डिटेल मत डाल दीजिए, पूरी डिटेल मत डाल दीजिए, ताकि उसको पता चले कि वीडियो में उसको क्वेश्चन आए, इस हिसाब से उसको आपको वीडियो बनाना है। ठीक है, मतलब सॉरी थंबनेल बनाना है। तो ये तो हो गया हमारा थंबनेल का पार्ट। तो वो कैसे बनाना है, मैं आपको दूसरा अलग से वीडियो बना के दूंगा। दोस्तों, दूसरा पार्ट आता है हमारा ये जो वीडियो का टाइटल है उस पर। अब टाइटल कहाँ से लाना है, उसके लिए देखिए आपको दो तीन स्टेप है, कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहला वाला तो है, आपको अपने दिमाग से सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे आपकी वीडियो ढूंढ सर्च करने के लिए, क्या कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या टाइटल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप कौन से साल में हैं तो वो डाल दीजिएगा, ताकि बेहतर रहे। कि मेरे जैसे कुछ लोग होते हैं वो वही सर्च करते हैं कि भाई मैं नेटवर्क स्पीड को 2020 में कहाँ पे ढूंढूँ। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से इस हिसाब से टाइटल डालना है। अगर उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप किसी और का टाइटल चुरा सकते हैं, लेकिन शर्त कंडीशन ये है कि सीधा कॉपी नहीं करना है। ठीक है, आप उसका वीडियो में जाके उसको कहीं और पे लिख के उसके बाद आपको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइटल का पार्ट। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन का पार्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा सा क्या है, आपको थोड़ा सा उसमें आप अपने वीडियो के बारे में डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है कि भाई ये वीडियो में मैं ये दिखाने वाला हूँ वगैरह वगैरह। और उसके बाद मैंने अपनी 4-5 जो सोशल साइट है, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सबका लिंक डाल दिया है और लास्ट में थैंक यू बोल दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन का पार्ट। उसके बाद वाला पार्ट है वो थोड़ा सा टफ है और डिफ़िकल्ट है और इजी भी है। उसके बाद वाला पार्ट है हमारा कीवर्ड का पार्ट। ठीक है, ये रहा पूरा कीवर्ड का पार्ट। अब कीवर्ड कहाँ से लाना है, देखिए कीवर्ड मतलब क्या है कि आप क्या सर्च करते हैं यूट्यूब पे, मतलब लोग क्या सर्च करते हैं वीडियो ढूंढने के लिए। किस देखिए सब लोग एक जैसा नहीं सोचते और एक जैसा कीवर्ड यूज़ नहीं करते। किसी को मान लीजिए आपको एक मोबाइल ढूंढना है, तो अब आप मोबाइल लेना है, मतलब आपको एक मोबाइल लेना है, तो आप मोबाइल के लिए क्या सर्च करेंगे। देखिए, सबसे पहले लोग सर्च क्या करेंगे कि भाई मुझे 2019 का या 2020 का लेटेस्ट वाला मोबाइल दीजिए, दिखाइए। और दूसरे लोग कोई और ढूंढेगा तो वो लिखेगा कि भाई
कि 10,000 के अंदर का जो मोबाइल है वो मुझे उसका वीडियो देखना है, तो वो इसके हिसाब से सर्च करेगा। तीसरा बंदा है, उसको MI का चाहिए, तो वो MI का मतलब वो MI का मोबाइल ऐसा करके कुछ डालेगा। तो सब लोग अपने हिसाब से अलग अलग सोचते हैं, तो ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से आप क्या सोचते हैं उसका 2-3 कीवर्ड या जितना आपको आता है उतना डाल देना है, और बाकी अगर नहीं आता है तो उसके लिए बहुत सारा साइट और बहुत सारा एप्लीकेशन मौजूद है गूगल प्ले स्टोर में, तो आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड करके उसमें आपका जो कीवर्ड, एक कीवर्ड मतलब आपने जिस टॉपिक है उस पर डाल देना है, उसके रिलेटेड आपको कीवर्ड देगा। और अगर वो भी नहीं हो सकता है किसी का, तो फिर आपको क्या करना है, किसी और का कीवर्ड चुरा लेना है। आपको अपना जो वीडियो बना है उसका टाइटल आपको YouTube पे सर्च करना है, उसके बाद आपको क्या जाना है उसका वीडियो में आपको एडिट करके आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा वाला व्यू वाला कौन सा वीडियो है, और इसका लिंक कॉपी कर लेना है और वहाँ जाके आपको पेस्ट करना है, तो उसका जितना भी कीवर्ड है उसको आप उसको कॉपी करके अपने वीडियो में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों स्टेप आपको पता चल गया होगा। और अभी जो नेक्स्ट वाला स्टेप है वो थोड़ा सा टिपिकल मतलब थोड़ा सा अलग है। ये जो चार स्टेप मैंने बताया वो वाला है हमारे वीडियो रिलेटेड, मतलब कि आपने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाया उसके रिलेटेड ये चारों स्टेप थे। अब जो नेक्स्ट वाला स्टेप है वाला मतलब कि पांचवा वाला, ये जो प्ले स्टोर का प्ले लिस्ट का है वो थोड़ा सा टफ है, मतलब थोड़ा सा अच्छा है, टफ तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा अच्छा है। देखिए ये एक, अगर आप बनाना चाहते तो ठीक है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, अगर नहीं बनाना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप जो भी अपना वीडियो बना रहे हो उसके लिए अपना आपके पास एक प्लेलिस्ट होना चाहिए। तो देखिए अगर आप मोबाइल के सेटिंग के बारे में बता रहे हैं तो आप उसके रिलेटेड 10-15 जितने भी वीडियो है उसका एक प्लेलिस्ट डाल दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए समझिए इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मान लीजिए आपने कोई अपनी मोबाइल के सेटिंग के बारे में कुछ दिखाया है और ऐसा 15 वीडियो है, तो अगर कोई बंदा आपका इनमें से कोई एक वीडियो देखेगा तो उनको कोई दूसरा सेटिंग वाला वीडियो ऑटोमेटिकली सजेस्ट होगा। अगर उसको काम का है, अगर उसको देखना है तो वो भी देखेगा, और इस तरह से आपका वीडियो उसके सर्चिंग में आने लगेगा और वो वीडियो देखता जाएगा, और उसको आपका वीडियो पसंद भी आएगा तो वो आपका चैनल पे बार बार विजिट करता रहेगा। इससे आपका चैनल का भी ग्रो होगा, आपका भी ग्रो होगा और माला माला आप हो जाएंगे। हालांकि इतनी जल्दी माला माल नहीं हो सकता है, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन क्या है आपका CTC बढ़ेगा तो आपका चैनल ग्रो होगा, आपका सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा और आपका वीडियो सजेस्ट लिस्ट में जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो बंदा देखेगा तो उसके सजेस्ट में आएगा, फिर उसका कोई दूसरा वीडियो है या कोई दूसरा वीडियो मतलब उसका ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर है तो वो उसके सब्सक्राइबर को भी ये वीडियो सजेस्ट होता जाएगा, उसको एक चेन क्रिएट होगी और आपका वीडियो सर्चिंग में आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका ये जो वीडियो है वो ग्रो होगा, यानी कि एक तरह से बोला जाए तो ये वायरल होगा, ठीक है। तो सब लोग जो बड़े यूट्यूबर है वो अपने, देखिए आपने देखा होगा सबका प्लेलिस्ट होता है, बहुत सारा प्लेलिस्ट होता है। टेक्निकल गुरु जी का तो प्लेलिस्ट 1500 वीडियो का है, आप कभी देखिएगा, विजिट करिएगा उसका। तो ये तो था प्लेलिस्ट के बारे में। तो प्लेलिस्ट बनाना ज़रूरी है आपके लिए, आपकी वीडियो के लिए तो ज़रूरी है ही, आपके चैनल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका कोई और वीडियो भी इसके सजेस्ट में आए और वो बंदा देखने के लिए मजबूर हो जाए। देखिए देखने के लिए मजबूर करने के लिए आपको ये सब चीज़ें कॉमनली आपको अपडेट करनी पड़ती रहेगी, और हो सके तो कुछ यूनिक लिखिए, यूनिक बनाइए ताकि आपको वीडियो सामने वाला बंदा देख सके, ठीक है। ये तो टिप्स थी आपकी वीडियो को ग्रो करने की। तो अगर आपने ये पूरा फिलअप कर लिया तो आपका वीडियो 100% आपका सजेस्ट में जाने के बाद कहीं नहीं रुकेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और अगर आपके पास ऐसा कुछ नॉलेज है तो मुझे भी दिखाइए, मैं भी देखना चाहता हूँ और मैं भी समझना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कुछ ऐसा कि जिसके लिए मैं आपको बता सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।